मैं खुशी बनवाल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए होली स्पेशल ठंडई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको तीन तरह की ठंडई बनाना बताऊंगी और मैंने इससे पहले पान आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडई, तो देखते हैं ठंडई बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने रोज पेटल लिया है, आलमंड, काजू, पिस्ता, काली मिर्च, छोटी इलायची, मगज़ लिया है मैंने, केसर, खसखस, सौंफ और किशमिश लिया है। अब हमें ठंडाई के लिए सबसे पहले बनाना है उसका मसाला, तो चलिए देखते हैं हम उसका मसाला कैसे रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, मैं बाउल में 8 से 10 आलमंड डाल रही हूँ, साथ ही यहाँ पे 8 से 10 काजू, 6 से 7 पिस्ता, कुछ किशमिश 10 से 12, 1 टीस्पून खसखस, इसे हम पोस्तो भी बोलते हैं, साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सौंफ लिया है, मैंने जितना सौंफ लिया है उतना ही खसखस लिया है, 4 छोटी इलायची, 10 से 15 काली मिर्च, 1 टीस्पून मगज, आप यहाँ पे खीरा मगज या खरबूजा मगज जो आपको मिले आप वो यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें 8 से 10 रोज़ पेटल डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आएगा। सारी चीज़ों को बाउल में डालने के बाद हम इसमें 1/2 कप गर्म पानी डाल रहे हैं और इसे आधे घंटे के लिए हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसमें नॉर्मल पानी डालकर ओवरनाइट के लिए फूलने के लिए छोड़ सकते हो। आधा घंटा हो चुका है क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी डाला था, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से फूल चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो इसका कितना अच्छा कलर भी आ गया और सारी चीज़ें फूल गई हैं। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उस जार में सारी चीज़ों को निकालेंगे। हम सारी चीज़ों को पानी के साथ ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमें इस पानी को फेंकना नहीं है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी को ऐड करने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पेस्ट रेडी कर लिया है और इसे एक बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हो पेस्ट कितना अच्छा दिख रहा है, पर आप चाहो तो इसे एक बार छान भी सकते हो, बट छानना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो चलिए हम ट्रेडिशनल ठंडई बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और जार में रेडी किया हुआ ठंडई मसाला 2 टेबल स्पून डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। यहाँ मैं शुगर थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे ठंडई मसाले में भी शुगर है। फिर मैं यहाँ पे 1 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ, यहाँ मैंने एकदम चिल्ड मिल्क यूज़ किया है। फिर हम उसमें 3 आइस क्यूब डालेंगे और ग्राइंडर का ढक्कन लगाकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बस अब कुछ नहीं करना है, हमारा एक ठंडई बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया है, अब हम ग्लास में ठंडई को सर्व कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाले वाली ठंडई पसंद है तो आप यहाँ पे मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो। अब हमारी ठंडई रेडी है, पर मैंने इसे अभी गार्निश नहीं करा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पिस्ते लिए हैं और मैं पिस्ते से इसे गार्निश कर दे रही हूँ। हमारी एक ठंडई रेडी हो चुकी है, तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे एक और ब्लेंडिंग जार लिया है और मैं उसमें 2 टेबल स्पून ठंडई मसाला डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लूँगी। मैं अब रोज़ फ्लेवर ठंडई बनाने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून रोज़ शरबत डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे रोज़ एसेंस का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें 3 आइस क्यूब डाल रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट ग्लास में भी आइस क्यूब डालकर सर्व कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसे भी ग्राइंड कर लिया है, हमारी एक और ठंडई बनकर रेडी हो चुकी है, तो चलिए हम इसे भी सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया है, अब मैं ग्लास में इसे सर्व कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो इसका पिंक पिंक कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इसे भी गार्निश कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से रोज़ पेटल लिए हैं, अब मैं इसे पेटल से गार्निश कर ले रही हूँ। हमारे एक और टेस्टी ठंडई बनकर रेडी है, अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मैंने फिर से एक ग्राइंडर जार लिया है और उसमें मैं 2 टेबल स्पून ठंडई मसाला डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। फिर मैं इसमें पिस्ता इलायची फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे अपने पसंद की कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 कप मिल्क भी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 से 4 आइस क्यूब ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारी ये ठंडई भी रेडी हो चुकी है, हम इसे भी सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि आप
ठंडाई मसाला एक दिन पहले रेडी करके फ्रिज में रख लो, और जब आपके गेस्ट आए होली पे तो आप बस उसे मिल्क के साथ ग्राइंड करके सर्व कर लो। अब हमारी पिस्ता इलायची फ्लेवर ठंडाई भी रेडी हो चुकी है। मैं इसे थोड़े से आलमंड से गार्निश कर ले रही हूँ। मैंने आज आपसे 3 फ्लेवर ठंडाई की रेसिपी शेयर की है। आप कमेंट में बताना कि आपको कौन सी वाली फ्लेवर ज़्यादा पसंद आई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।